लड़की को साथ में लेकर आना, क्या ये यूट्यूबर्स की एक पॉलिसी है? मुझे एक्सपोज किया, एक्सपोज किया तो वो क्या क्या बोल रहा था, दिखाता है गरीबी दिखाता है, ऐसे ही कुछ कुछ क्या बोल रहा था कि घर दिखा के व्यूज लाता है। कॉन्ट्रोवर्सी करके अगर जो चैनल बना है तो उनको अभी तो व्यूज आ रहा है, लेकिन क्या होगा कि उनका चैनल ही पूरा कॉन्ट्रोवर्सियल ही बन जाएगा। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है हमारे साथ एक बड़ी पर्सनैलिटी जिनका नाम है मनोज दे भाई। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पहले बताइए, मेरा पॉडकास्ट आने के बाद आएगा कि पहले आएगा? ये बाद में आएगा। बाद में आएगा ना? हाँ, तब ठीक है, तब तो लोग समझ चुके होंगे कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं, उसके बाद ये वीडियो आया। जी, तो अभी फिलहाल अभी अरबाज भाई है हमारे सेटअप पर, ठीक है, जहाँ मेरा घर है यहाँ पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। जी, आगे बोलिए। तो मनोज भाई, मेरे मन में बहुत सारे सवाल है और लगातार मैं 6 से लेकर 7 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जब आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुके थे, उस समय मैं आपका एक सब्सक्राइबर था बैंगलोर से। अच्छा। तो मेरे मन में कुछ सवाल है। जी, पहला सवाल यह है कि ज्यादातर टेक्निकल जो चैनल हैं वो अब डेड हो चुके हैं या उनकी व्यूअर्स भी जो है डाउन हो चुकी है, चाहे वो आपके गुरु क्यों ना हो, लेकिन मनोज दे ब्रो स्टिल वर्किंग, मनोज दे भाई अभी भी काम कर रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है? तो मेरे अनुसार ये सबके अंदर में होना चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव हमेशा करना चाहिए, ठीक है, खुद को भी, और जो आपका बैकग्राउंड है, आपका जो क्वालिटी है, आपका ऑडियो का क्वालिटी बोलो, वीडियो का क्वालिटी बोलो, कुछ ना कुछ मतलब नया करते रहना चाहिए, जिससे जो है आप समय के साथ बने हुए रहोगे ना। क्योंकि एक टाइम बाद क्या होता है कि आपको लोग देख देख के एक ही प्रकार का, अगर मैं इसी तरह के वीडियोज बैठ बैठ के बनाता रहूँ और सेम बैकग्राउंड रहे और साल 1.5 साल 2 साल ऐसे ही बनाता रहूँ, एक टाइम के बाद इंसान क्या होगा, पक जाएगा उस चीज़ से। उनको चाहिए कुछ नया, ठीक है, जितना आप नया दिखा सकते हो उतना लोग आपको फॉलो करेंगे। तो मैंने एक शुरू से ये रूल अपने चैनल पर लगा के रखा हुआ है, जो मेरे ऑडियंस उनको भी पता है, आप भी मेरे सब्सक्राइबर आपको भी पता है, मैं हमेशा, आप लोग देख रहे होंगे पिछला 3 साल से अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ नया मैं करता रहता हूँ, जिससे लोग क्या होता है कि उनके अंदर में एक क्यूरियोसिटी बनी हुई रहती है कि आखिर मनोज भाई अब क्या कर रहे हैं। ठीक है, कभी देखिएगा मैं कुछ खरीदता हूँ तो उसका वीडियो देखने को मिलता है, कभी मैं कुछ नया करता हूँ तो उसका वीडियो देखने को मिलता है, कभी मैं सेटअप का कलर चेंज करता हूँ, कभी वॉलपेपर लगाता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यही एक रीज़न हो सकता है शायद से आज तक व्यूज डाउन नहीं हुआ। बाकी कंटेंट भी मैं अच्छा अच्छा फाइंड करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा हेल्प हो सके। नो डाउट। दूसरा मेरा सवाल है, क्या YouTube पर ग्रो करने के लिए या YouTube पर कंटिन्यू रहने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी काम करती है या फिर ज़्यादा ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो कितनी ज़रूरी है? कॉन्ट्रोवर्सी करके अगर जो चैनल बना है या फिर आज के डेट पे भी जो चल रहा है, जिसका क्या होता है कि किसी का नाम लेकर के अगर वीडियो बनाने से ज्यादा व्यूज आता है, तो उनको अभी तो व्यूज आ रहा है, लेकिन क्या होगा कि उनका चैनल ही पूरा कंट्रोवर्सियल ही बन जाएगा। जब तक वो कंट्रोवर्सी नहीं करेगा तब तक व्यूज नहीं आएगा, जब अपना कंटेंट डालेगा तो व्यूज नहीं आएगा, कंट्रोवर्सी करेगा तो ही व्यूज आएगा। तो मतलब उसका चैनल का नाम हो सकता है दूसरा, लेकिन वो चैनल हो जाएगा मनोज दे का एक तरह से, ठीक है। अगर आप मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हो तो वो आपका चैनल हो गया, मेरा चैनल हो गया एक तरह से, भले ओनर आप रहोगे, पैसा आप कमा रहे हो। ये आपने पॉइंट वाली बात बोली कि वो ओनर तो हम रहेंगे, लेकिन वो कंटेंट आपके चैनल आपका हो गया, मेरा हो गया। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा जो मैंने सर्च किया तो ये किया कि जिस तरीके से आपकी ग्रो हुई है, तो उसकी एक सेकंड साइड ये भी है कि सबसे ज्यादा किसी को अगर एक्सपोज किया गया यूट्यूब में, वो नो डाउट मनोज दे को एक्सपोज किया गया है, एक कीवर्ड बन चुका है मनोज दे एक्सपोज। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? क्या अभी भी आपको, मतलब जैसे आप सुबह उठे और आपने किसी नए यूट्यूबर की वीडियो देखी, उस पर लिखा है मनोज दे एक्सपोज, नो डाउट वो व्यूज लेने चाह रहा आपके नाम से, तो आपको कैसे क्या फील होता है उस समय? गुस्सा आता है, किस तरह कंट्रोल करते हो उस चीज को? तो थोड़ा सा पुराने दिनों की बात करते हैं यहाँ पर। 2019 में जब मेरा चैनल ग्रो हुआ था उस टाइम, जी, तभी मेरे ऊपर में एक्सपोज वीडियो बनना शुरू हो गया, तब मुझे पता चला कि हाँ अब मनोज दे राइज कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, मनोज दे का नाम से व्यूज आ रहा है तो लोग एक्सपोज करना शुरू करते हैं, जब आपके नाम से व्यूज आएगा तो आपका एक्सपोज होगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे एक्सपोज किया था जो कि बिहार का एक यूट्यूबर था, ठीक है, उन्होंने मुझे एक्सपोज किया तो वो क्या क्या बोल रहा था कि दिखाता है गरीबी दिखाता है, ऐसे ही कुछ कुछ क्या बोल रहा था कि घर दिखा के व्यूज लाता है ये वो, तो मुझे बड़ा जोर से आया गुस्सा, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल पर एक रिप्लाई वीडियो बना दिया कि ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो मतलब गुस्से से कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, देखिए मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, नहीं वो नहीं। तो वो वीडियो फिर कोई एक अच्छा यूट्यूबर ने भी वो वीडियो देखा, क्योंकि उस टाइम मेरे वीडियो काफी रिच मिलना शुरू हो गया। तो एक यूट्यूबर का मेल आया मेरे पास, तो मुझे लगा इतना बड़ा यूट्यूबर मुझे क्यों मेल किया, मतलब 3-4 लाख सब्सक्राइबर था उनका, उस टाइम मेरा 100K इस तरह का था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मेल के थ्रू नंबर लिया, फिर कॉल किया, कॉल करके उन्होंने समझाया,
कि देखिए जब कोई राइज करता है, जब कोई ऊपर उठता है, तभी उसके ऊपर में नेगेटिव वीडियोस बनना शुरू होता है, उसका आलोचना शुरू हो जाता है। जिस दिन आपको आलोचना शुरू हो गया, समझ जाइए कि आप राइज कर रहे हो। तो ये सबको इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा उसका। अगर सबको माइंड करते रहेंगे तो हम अपने कॉन्टेंट में फोकस नहीं कर पाएंगे जी। तब से मैंने इसको एक माइंड सेट मैंने सेट कर लिया है कि मेरे ऊपर में नेगेटिव वीडियो अगर कोई बना रहा है तो मुझे कभी अच्छा भी लगता है। अगर ये वीडियो भी अगर कुछ लोग देखेंगे, चाहो तो आप मेरे ऊपर आराम से वीडियो बना सकते हो, मुझे काफी अच्छा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं, चलिए, मेरे नाम से अगर आपका कुछ भला हो जा रहा है तो काफी बड़ी बात है ना। अच्छा मनोज दे भाई, एक सवाल और है मेरा कि ज्यादातर यूट्यूबर, मतलब इंक्लूडिंग मैं तो उसमें बिल्कुल भी नहीं हूं, कि क्या लड़की को साथ में लेकर आना, क्या यह यूट्यूबर्स की एक पॉलिसी है? और अगर पॉलिसी भी है तो क्या यह ठीक है या गलत है? और अगर मान लीजिए कोई लेकर भी आता है, ठीक है, तो उसका कितना प्रभाव चैनल पर पड़ता है और कितना समाज को पड़ता है? तो यहाँ पे बात आता है कि आप कितना परसेंट के हिसाब से वीडियोस कंटेंट लड़की के साथ बना रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपका चैनल अगर 75-80% आप लड़की के साथ वीडियो बना रहे हो और 10-20% आपका खुद का कंटेंट है, तो फिर आपका चैनल पूरा क्या होगा कि उस लड़की को देखने के लिए ऑडियंस बन जाएगा जी। तो फिर जब आप उस लड़की के साथ वीडियो बनाओगे तो व्यूज आएगा, हाँ। जब आप अकेले बनाओगे तो व्यूज ही नहीं आएगा जी। तो आप खुद डिसाइड कर लोगे, अगर लड़की के साथ ही मतलब लाइफ टाइम बनाते रहना है तो फिर उससे शादी वादी भी करके साथ ही रखना पड़ेगा जी, ठीक है। अगर रह गया लाइफ टाइम तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपका मतलब आप समझ के देखो कि आप अपने खुद के दम से तब आगे नहीं बढ़ रहे। मनोज दे भाई की प्लानिंग है, शादी तो होनी है ना? हाँ, शादी होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, बट हाँ अभी कुछ प्लानिंग नहीं है। अच्छा एक सवाल और पूछता हूँ मैं आपसे कि लगभग जितने भी साल का आपका एम्पायर रहा है, यूट्यूब का साम्राज्य रहा है शुरू से लेके, क्योंकि लगभग 2019 में मैं था जब मैं आपको देखता था, उस समय शायद उस समय आपने आईफोन भी लिया था और एप्पल वाली वॉच भी ली थी, और उससे भी पहले का सफर है आपका, जब से आपकी फर्स्ट अर्निंग आई जब से लेके अब तक का, अगर आप बुरा ना माने तो अगर मैं टोटल अगर सम पूछना चाहूंगा आपसे, कितना आपने साम्राज्य खड़ा किया होगा यूट्यूब की दुनिया से, ताकि नए जो लोग हैं उनको क्लियरिटी मिल पाए, क्योंकि आपके बारे में ना अक्सर इस तरह की वीडियो देखने मिलती हैं कि ये इतना कमाता है, नहीं हम बताएंगे वो झूठ बोलता है, वो इतना कमाता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कमाता है, आप कितना कमाते हैं, कितना कमा चुके हैं अब तक? तो देखिए वो तो सीआर में होगा पक्का एकदम, ठीक है, करोड़ में तो होगा, लेकिन क्या है कि मैंने, आप भी देखे होंगे कि मैंने अपने अर्निंग का 80% जो है मैंने खर्च कर दिया है अभी लाइफ टाइम, ठीक है। मैं सेविंग पे एकदम ध्यान नहीं देता हूँ ताकि लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊँ, इंस्पायर कर पाऊँ। मैं खुद कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ, बड़ा बड़ा चीज करता हूँ, बहुत काफी महंगी मैंने कार खरीद ली है, ठीक है, जो कि शायद मुझे घर में कोई भी परमिशन नहीं दे रहा था। पापा भी बोल रहे थे कि इतना महंगा कार तुम्हारे लिए अभी सही नहीं है, सही नहीं है। तुम 7-8 लाख का एक कार भी खरीद के चल सकते हो, तो 25 लाख का गाड़ी का क्या जरूरत जी। तो मैंने बोला नहीं, जरूरत है, लोग इसको देख करके कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये टाटा हैरियर से ये घूम रहा है, जबकि एक टाइम साइकिल से चलते थे। फिर उसके बाद फिर मैंने प्लॉट भी खरीदा है, अभी मैं वहां पे घर भी बना रहा हूँ, और घर भी ऐसा बना रहा हूँ कि मैंने ब्लॉग में भी दावा कर दिया है कि घर भी नेक्स्ट लेवल का होगा, ताकि लोग को देखेगा लगना चाहिए कि हाँ कोई सेलिब्रिटी का घर है। हाँ। अपने आप को तो सेलिब्रिटी नहीं समझता हूँ, लेकिन घर वैसा दिखेगा। अगर 5 करोड़ रुपए कहना चाहें तो क्या ठीक होगा? नहीं, उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ करोड़ में होगा, करोड़ों में होगा। अच्छा इसके बाद एक लास्ट सवाल और आपसे कि जैसा जैसा आपकी सक्सेस बढ़ती जाती है, जाहिर है उसको पचा पाना क्या वो इतना आसान होता है? क्योंकि जिस तरीके से आज मैं आपसे मिला हूं तो आप बहुत अलग हो जाए, मतलब जो आप कैमरे पर हो ना उससे भी ज्यादा अच्छे आप रियल लाइफ में हो, मतलब बहुत सिंपल, कोई एक्स्ट्रा कोई शौक नहीं, कोई गलत चीज नहीं इस तरह की, तो क्या इसको पचाना कितना आसान है आपको? ये चीज डिपेंड करता है ना कि सक्सेस आपको किस हिसाब से कैसे मिला है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे खुद अगर इस तरह करके ऊपर उठे हो तो आप सीखते हुए ऊपर उठे हो, जब सीखते हुए ऊपर उठोगे तो आपको पता रहेगा, उस चीज का वैल्यू रहेगा कि आपको कैसे ट्रीट करना है, आपको सब्सक्राइबर से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, ठीक है। और कोई कोई क्या होता है कि ना अचानक से वायरल हो जाता है, तो जब अचानक से कोई वायरल होकर ऊपर उठता है तो वो फिर धड़ाम से नीचे गिरता है, ठीक है। वो आप रानू मंडल का एग्जांपल ले लो या फिर किसी का भी एग्जांपल ले लो जो एक दिन में रातों रात जैसे वायरल हो गया। तो अगर कोई सीखते हुए ऊपर उठता है तो उसको पता है उस चीज का वैल्यू। लेकिन हाँ ये भी एक चीज है कि इंसान के पास जब पैसा आता है तो इंसान बदल जाता है, और ये चीज मैंने भी अपने आंखों से देखा है, काफी लोगों को बदलते हुए देखा है। पैसा पता नहीं ऐसा क्या ही चीज है, पैसा इंसान को बदल देता है। तो मेरा कहना यही है कि जब भी पैसा आए तो बदलिए मत, अपने अतीत को मत भूलिए, अपने पास्ट को मत भूलिए कि आप कहां से उठ के ऊपर आए। अच्छा एक सवाल और, एक्चुअली सवाल दो हैं, वो दोनों लास्ट सवाल है, उसमें से एक सवाल यह है कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, आपका भविष्य में क्या प्लान है? क्या यूट्यूब ही देखते हैं आगे, या यूट्यूब से आगे जैसे कोई वेब सीरीज आ रही है, या फ्यूचर प्लान कुछ और है? जैसे एक होता है ना कि यार मैं ये करना चाहता हूं, अब एज अ करियर आप सक्सेस तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक सिक्योर फ्यूचर प्लान की अगर बात की जाए तो क्या देखते हैं अपने आपको?
तो फिलहाल अगर मैं इस टाइम बताऊं तो मैं काफी ज्यादा बिजी हूं अभी यूट्यूब को ही लेकर के, क्योंकि पहले तो मनोज दे चैनल था, मनोज दे ब्लॉग चैनल भी था, अब एक नया और आ गया मनोज दे पॉडकास्ट, जिस वजह से आज भी आप भी यहाँ पे हो जी जी, तो इसके लिए भी अलग टाइम निकालना पड़ रहा है। आप देख ही रहे हो सुबह से मैं गया फिर आपके साथ रहा, अभी शाम होने चला, पूरा दिन खत्म जी। मैंने खुद टेक चैनल का वीडियो मैंने वहीं पे शूट करके डाल दिया जी, तो काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है। तो अभी मैं कुछ भी नया कर शायद सा भी नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ देखते हैं, जब देखेंगे कि मनोज जी का नाम धीरे धीरे अप डाउन फॉल हो रहा है, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जी, लोग कितना ही दिन एक टाइम में मतलब हर किसी का ट्रेंड खत्म होता है, चाहे वो कोई भी रहे, वहां तक कि शाहरुख खान रहे या सलमान खान रहे, सबका ट्रेंड खत्म हुआ और मेरा भी हो जाएगा, ठीक है, ये रियलिटी है जी। तो जब देखेंगे कि हाँ अब मनोज देखो ट्रेंड खत्म हो रहा है, तब हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है, बिजनेस वगैरह। अभी इतना आप सोचते हैं, ये तो अच्छी बात है। लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो यूथ है जो इस समय सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ब्लॉग्स पर आ रहे हैं, और अभी जानते हो कितना टफ कॉम्पिटिशन है, ठीक है, अब ऐसे में उनके लिए हम उनकी बात नहीं कर रहे कि जो लोग मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन जो मेहनत भी कर रहे हैं और हमें भी लगता है कई बार देख करके यार कि वाकई में इस बंदे को एक मौका मिलना चाहिए, उसके लिए क्या मैसेज होगा, किस तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं? वही चीज आ गई, कॉन्ट्रोवर्सी जरूरी है, लड़की जरूरी है, या फिर अच्छी मेहनत जरूरी है? मतलब मेहनत तो नो डाउट कर ही रहे हैं वो, ऐसी क्या चीज कर सकते हैं वो? इसका आंसर यही है कि वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहे जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ यूट्यूब का करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहां पर उम्मीद ज्यादा है वहीं पे दुख है। अगर हम किसी के साथ ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और वो चीज हमें नहीं मिलता है तब हमें दुख होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप उम्मीद बैठा करके काम मत करो। अगर यूट्यूब पे आप सोचोगे कि मैं यूट्यूब पर आया, चैनल बनाया और मैं रेगुलर मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा और मैं यूट्यूबर बन ही जाऊंगा, मतलब सक्सेसफुल, मैं महीने में लाखों पैसा कमाऊंगा ही, तब फिर जब ये चीज नहीं होगा फुलफिल आपके लाइफ में तब आपको दुख होगा। तो आप अपना काम कीजिए और एज ए पार्ट टाइम यूट्यूब को कीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कीजिए, क्योंकि इसमें पैसा वगैरह तो लगता नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, तो बस यही है। बाकी चलना रहेगा तो अपने आप चलेगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम, यूट्यूब का SEO, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। आज आप भी अगर यूट्यूब पर ग्रो किया तो आपको भी पता होगा कि आपने कुछ किया नहीं है, आपने जस्ट वीडियो अपलोड किया, वायरल कैसे हो गया वो आपको पता है क्या? नहीं, अपने आप हो गया, आपको तो खुद पता नहीं है, बस आपने अपना ईमानदारी के साथ 100% दे करके उस काम को किया। जस्ट सबके साथ ऐसा ही है। मैं अभी आज मनोज दे हूं तो मुझे नहीं पता था कि मैं मनोज दे बन जाऊंगा, मेरा 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, जस्ट मैं अपना काम कर रहा था। तो आप भी काम करो, होना रहेगा तो हो जाएगा। यूट्यूब का SEO पे जिस दिन आपका वीडियो फिट हुआ, कोई वीडियो वायरल हुआ था, बन जाओगे और क्या। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, जिसने आपने डीपली तरीके से समझाया, और मेरे हिसाब से हम 12 मिनट की वीडियो में सारे सवाल हमारे लगभग हो भी गए, और मैंने आपसे कई सारी चीजें सीखी। ये जो एक मेरा इंटरव्यू है जो वो पॉडकास्ट में आएगा, हो सकता है आ भी गया हो जब तक वीडियो पड़ रही है, नहीं आएगा तो मनोज दे पॉडकास्ट में आएगा, साथ ही साथ ब्लॉग में भी मनोज भाई ने जो है मुझे कवर किया है, ये इनका एक बड़कपन है, काफी अच्छा लगा। और जय हिंद, अपना ख्याल रखें।